नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना किसान की आय दोगुनी करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में ऋण वितरण योजना की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है, जिसके चलते हजारों किसानों को 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है। जिसके बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से बातचीत की। और किसानों का जिस तरह से पिछले 2 वर्षों में हमारे किसानों ने काम किया है, और जो ऋण योजना हमने प्रारंभ की थी सरकार आने के बाद, उससे हमारा किसान भी प्रोत्साहित हुआ है, सरकार भी प्रोत्साहित हुई है कि किसानों ने बहुत अच्छा, या हम कहें कि उनका सदुपयोग किसानों ने किया है। और वहीं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में ऋण वितरण योजना की शुरुआत की गई है, जिसका जायजा हमारे संवाददाता आशीष रमोला ने लिया। हरिद्वार में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रदेश में ऋण वितरण योजना की शुरुआत की गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। लगातार हमारे जो किसान हैं या किसानों के साथ साथ ऐसे सभी लोग जो मत्स्य पालन या कुक्कुट या अन्य प्रकार का व्यवसाय करते हैं, सबको 0% पर ऋण की उपलब्धता हो, तो इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह उनको भी 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख। आज में हम लोगों ने 25,000 से ज़्यादा किसानों को इस प्रकार का धन उपलब्ध कराया है, और ये वास्तव में प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में राज्य सरकार ने कदम बढ़कर और इसमें काम करना शुरू किया है। भारत और नेपाल सीमा पर लंबे अंतराल के बाद झूला पुलों को नियमित रूप से खोल दिया गया है। पिथौरागढ़ जिले में पड़ोसी देश नेपाल आवाजाही के लिए 5 पुल का इस्तेमाल करता है, जिसके खुलने से स्थानीय व्यापारी और आम नागरिक अब पूरी तरीके से आवाजाही और व्यापार कर पाएंगे। अब तक कोविड संक्रमण के चलते भारत नेपाल सीमा पर आवाजाही बंद थी। ये पुल सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुले रहेंगे। और वहीं उत्तरकाशी भटवाड़ी में बर्फबारी से हुए गंगोत्री यमुनोत्री मार्ग बाधित। देर रात से हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते कई जगहों पर राजमार्ग बाधित हो गए हैं। वहीं बीआरओ द्वारा मार्ग को सुचारू रूप से शुरू करवाने का कार्य किया जा रहा है। लालकुआ उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह ने बैठक बुलाकर वसूली अभियान की समीक्षा की है, जिसमें उपजिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि राजस्व के बकायेदारों से वसूली में तेजी लाई जाए। अपने कार्यालय पर पत्रकारों से उपजिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा है कि बकायेदारों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं, जो बड़े बकायेदार हैं अगर वो समय पर बकाया नहीं जमा करते तो उन पर फौरन कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित और मरीजों की मौत के मामले काबू में आ गए हैं। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की मौत हो गई है, वहीं 47 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या की बात करते हैं तो 96,431 हो गई है, वहीं एक्टिव केस की संख्या घटकर 945 रह गई। ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच तोता घाटी में बारिश के चलते बोल्डर गिरने से यातायात बाधित हो गया है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर वाहन की लंबी कतार लग गई है। पिछले 2 दिनों से मौसम खराब होने की वजह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश चल रही है, जिसके चलते सड़क यातायात बाधित हुआ है। आपको बता दें कि ऑल वेदर रोड कार्य प्रगति पर है, जिसके चलते घाटी में लगातार समस्या बनी हुई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर है, जाम को खुलवाया जा रहा है। पिथौरागढ़ में दीनदयाल सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को ब्याज मुक्त ऋण देने की शुरुआत की गई है। जिले के करीब 201 किसान इस योजना से लाभान्वित किए गए हैं। विकास भवन में क्षेत्रीय विधायक चंद्रप्रंत और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ऋण बांटा गया है। विधायक ने इस योजना को किसानों के हित में बताया। उत्तराखंड शासन द्वारा सहकारिता विभाग के माध्यम से दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रमुखता से कृषि कार्य के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है, और ब्याज रहित ऋण का व्यवस्था किया गया है, प्राविधान किया गया है। साथ में कृषि आधारित अन्य जो उपक्रम हैं, जिसमें मत्स्य पालन है, मार्केटिंग गतिविधियाँ हैं और अन्य कृषि तर कार्य हैं, मुर्गी पालन, पशुपालन, उन गतिविधियों के लिए 3 लाख तक का ऋण ब्याज रहित ऋण प्राविधान किया गया है। साथ में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, जो सहकारिता विभाग से ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का ब्याज रहित ऋण का प्रावधान किया गया है। इसमें इतना ही उनकी अपेक्षा है कि जो लघु
किसान हैं, लघु कृषि कार्य करने वाले हैं या सीमांत किसान हैं और बीपीएल परिवार जो चिन्हित किए जाएंगे उनको ही इसका लाभ प्रारंभ में दिया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल के देवप्रयाग प्रख्यात पत्रकार स्वर्गीय राजेन टोडरिया की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में विभिन्न संगठनों द्वारा उन्हें याद किया गया है। केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट ने कहा है कि राजेन टोडरिया ने पत्रकारिता के माध्यम से उत्तराखंड आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।